घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी साहबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पाँव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता, लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूँगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी, मुझे आजादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। आज आपने देखा होगा सारा दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद गुफ्तगु है वो जनाब हामिद मीर साहब, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम पे पाबंदी लगी है या उनके प्रोग्राम को ऑफ एयर कर दिया गया है। इस सिलसिले में जियो इंतजामिया से हम बार बार पूछ भी रहे हैं कि वजूहात क्या हैं, लेकिन वजूहात इंतजामिया की तरफ से नहीं बताई गई। अब तक की पाकिस्तान की जाहिर है कि यह सबसे बड़ी खबर है। दूसरी जानब कहा यह जा रहा है कि उनको ऑफ एयर किया गया है, जो कि खुद उन्होंने बताया भी है बीबीसी को कि उनकी जो तकरीर थी जुम्मे के रोज असद अली तूर के ऊपर, जो हमारे अपने सहाफी हैं, यंग सहाफी हैं, उन पर जो हमला हुआ था, उस तकरीर की वजह से उनको कहा गया कि आप माजरत करें और इस माजरत के बाद जो है वो आपको आपके प्रोग्राम को चलने दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात से इनकार किया। अब जो भी हालात और वाकयात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मीडिया की सूरत हाल है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और गुज़िश्ता 3 सालों में जो एक तरह से सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान के अंदर मीडिया की, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। एक हाइब्रिड रिजीम के तौर पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है उसको मुतारिफ किया जाता है, जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वो भी अलग अपनी जगह पे आए दिन जेर बहस रहती हैं, मगर इस तरह की पाबंदी लगाना इसका मकसद क्या? और उसी दौर में जबकि आप एक जो मीडिया अथॉरिटी है, नई मीडिया पीडीएमए के नाम से, उसको आप लॉन्च करने जा रहे हैं या उसके हवाले से एक ऑर्डिनेंस लाने जा रहे हैं और उस ऑर्डिनेंस के जरिए से जो है वो रेगुलेट करना चाहते हैं आप मीडिया को। अब इसके जो